गांधी जी के देश में गांधी जी के नाम पर गांधी जी का अपमान। टाइटल गांधियों ने देश के रियल गांधी को ढाल बनाकर सत्ता का सुख भोगा और आज भी गांधी जी के नाम पर राजनीति की रोटी सेकते हैं। जबकि देश की स्वतंत्रता के वक्त महात्मा गांधी भी कांग्रेस मुक्त भारत चाहते थे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ताजा राजनीति से समझिए। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष के 12 सदस्यों के निलंबन का मुद्दा दोनों सदनों में गरमाया रहा। ये वही सांसद हैं जिन्होंने पिछले सत्र में किसान आंदोलन एवं कई अन्य मुद्दों के बहाने संसद के उच्च सदन में खूब हंगामा मचाया था। उस दौरान इन सांसदों ने उपसभापति हरिवंश पर कागज फेंका था और सदन के कर्मचारियों के सामने रखी टेबल पर चढ़ गए थे। इन सांसदों पर कार्यवाही की मांग की गई, जिस पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को फैसला लेना था। अब जब संसद सत्र पर फिर से शुरू हुआ तो सभापति एम वेंकैया नायडू ने अपना फैसला सुना दिया। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस कार्यवाही को नियमों के खिलाफ बताते हुए निलंबन वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया। सभी निलंबित सांसद बुधवार संसद में गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना देंगे। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की राजनीति समझिए। अपने अशोभनीय आचरण के लिए सिर्फ माफी मांगकर वो सदन में आ सकते हैं, पर राहुल गांधी आग में घी डालते हुए कह रहे हैं कि माफी किस बात की। कांग्रेस की इसी अडंगेबाजी वाली राजनीति को देखते हुए महात्मा गांधी ने कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना की होगी। दरअसल महात्मा गांधी को आशंका रही होगी कि भारतीय लोकतंत्र के लिए कांग्रेसियों की निजी आकांक्षाएं, एजेंडा वाली राजनीति सही नहीं रहेगी। यही कारण रहा होगा कि वो स्वतंत्र भारत को कांग्रेस मुक्त देखना चाहते थे। देश ने भी 70 सालों में जो भोगा उसे देखकर ही जनता कांग्रेस मुक्त भारत अभियान में जुट गई। विडंबना यह है कि लोकतंत्र में जिस विपक्ष को मजबूत होना चाहिए था वो धरातल में ऐसी धंसी है कि देश अब विपक्ष मुक्त भारत की ओर अग्रसर हो गया है।